को बकिया के आज के एपिसोड में अभी प्रज्ञा से सॉरी कहता है। प्रज्ञा अभी की तरफ देखती है। अभी प्रज्ञा से कहता है कि किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें सॉरी कहा है। दूसरी तरफ अभी घर पहुंचता है और तनु के बारे में सोचता है और कहता है कि तनु कितनी क्यूट है। इतने में आलिया वहां आती है और उसे पूछती है कि उसने क्यों बुलाया। अभी उसे कहता है क्या तुमने मेरी तनु के साथ कॉफी डेट फिक्स कर दी। आलिया कहती है हाँ तनु तुम्हारे साथ कॉफी के लिए जाने के तैयार है। आलिया अभी को तंग करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें तनु पसंद आ गई है। आलिया ये देखकर बहुत खुश होती है कि अभी उसके प्लान में फंस रहा है और वो तनु को पसंद करने लगा है। अब वो प्रज्ञा से दूर हो जाएगा। दूसरी प्रज्ञा बहुत सैड होती है तनु को अभी के साथ देखकर और वो सोचती है कि अभी उसे इग्नोर कर रहा था। इतने में बीजी वहाँ आती है और प्रज्ञा से पूछती है कि वो टेंस क्यों है। प्रज्ञा कहती है कि आलिया उसके अगेंस्ट फिर से काम करना कर रही है। दूसरा आलिया प्लान बताती है कि किस तरह वो अभी को ऑफिस जाने से रोके ताकि अब प्रज्ञा को ये रियलाइज हो गया अभी उससे दूर हो गया है। आलिया अभी की शादी की तस्वीरें उसके सामने रख देती है। अभी अपनी शादी की पिक्स देखकर हैरान हो जाता है और उसके सर में बहुत पेन होने लगता है और वो चीखता चिल्लाता है। अभी के सर में बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लग जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर दादी ऊपर आती हैं और सबको कॉल करती हैं। आलिया सब घर वालों को फोटोग्राफ्स दिखाती हैं और कहती हैं इसकी वजह से अभी की तबीयत ख़राब। आलिया का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि अभी कल नहीं आएगा, वो शहर से बाहर जा रहा है। प्रज्ञा ये सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि लगता है अभी तनु के साथ बाहर गया है। पूरब और दादी अभी से मजाक करते हैं लेकिन अभी बहुत टेंस होता है। अपकमिंग शो में हम देखेंगे पूरब अभी से कहेगा क्या उसे कुछ याद आया है। अभी कहता है हाँ उसे कुछ याद आ गया है।